फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज के वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड एक टॉपिक में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि डार्क सर्कल को कैसे हम लोग घर बैठे बैठे रिमूव कर सकते हैं। मगर गाइस इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डार्क सर्कल होते क्यों है। गाइस एक तो है डार्क सर्कल होते अगर आप लोग 8 घंटा नींद अच्छे से ना पूरी करोगे उसके लिए भी डार्क सर्कल होता है। और दो नंबर तो है अगर आप लोग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वो हो सकता है वर्क प्रेशर की वजह से या फिर घर में जो लोग घर में रहते हो उनका बहुत मतलब फैमिली मेंबर्स का किसी का तबीयत ख़राब होता है या फिर फैमिली में ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। फैमिली का प्रॉब्लम में भी उन लोग अच्छे से नींद ना पूरी करने की वजह से भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, तो उसके लिए भी डार्क सर्कल आ सकता है। और एक तो है हेरिडिटी का किसी किसी का प्रॉब्लम रहता है कि डार्क सर्कल आ जाते हैं। और एक है कि अगर आप लोग हार्श केमिकल प्रोडक्ट आपका आँखों के नीचे यूज़ करोगे उसके लिए भी डार्क सर्कल आ सकते हैं। और अभी डार्क सर्कल आने के एक कारण है कि अगर आप लोग आँखों के नीचे कुछ मतलब ऐसे जोर जोर से अगर आप लोग आँखों के नीचे रैप करोगे तो भी आप लोगों को डार्क सर्कल आ जाएगा। सो गाइस ये तो गया कॉजेस ऑफ डार्क सर्कल। सो मेरे पास 3 होम रेमेडीज है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग इस होम रेमेडी को मतलब दुर्गा पूजा आने से पहले या फिर दुर्गा पूजा या फिर कोई भी फेस्टिव सीजन, आई मीन फेस्टिव सीजन तो स्टार्ट ही हो रहा है, इससे पहले अगर आप 15 डेज के लिए एकदम कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ही हद तक आपका डार्क सर्कल चला जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। फॉर माई फर्स्ट होम रेमेडी मैं यूज़ करूँगी आलमंड ऑयल। अगर आप लोगों के पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप लोग इजीली मार्केट से खरीद सकते हो या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन भी परचेस करना चाहोगे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डाबर की आलमंड ऑयल जो आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। सो इससे आप लोगों को रिंग फिंगर में डाल के रात में सोने से पहले आँखों के नीचे ऐसे मसाज देनी है। गाइस आप लोगों को एकदम रिंग फिंगर में ही मसाज करनी है क्योंकि आप लोगों को पता ही है रिंग फिंगर का प्रेशर पॉइंट सबसे कम होता है और आँखों की एरिया गाइस सबसे ज़्यादा माइल्ड होता है। तो आप लोग रिंग फिंगर में आलमंड ऑयल को रात में सोने से पहले ले कर 5 मिनट तक मसाज दीजिए एंड ओवरनाइट इसमें सो जाइए। सो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे आपको मसाज करनी है। सो गाइस मैं रिंग फिंगर में ले रही हूँ, थोड़ा सा डैप डैप करके लगा लूँगी ऐसे 5 मिनट तक मसाज दूँगी। गाइस आलमंड ऑयल में होता है बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई जो आँखों के नीचे जो सेंसिटिव एरिया है उसे एकदम सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। अगर आप लोग चाहो तो ऊपर में भी थोड़ा मसाज कर सकते हो इस ऑयल से। ऐसे ऐसे आप लोग धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए एंड ओवरनाइट इस पर सो जाइए। सुबह उठ के ज़रूर कॉटन एक पानी में डुबो के वॉश कर लीजिए। और मैं सेकेंड रेमेडी मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा। तो एलोवेरा जेल को आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाओ के एलोवेरा जेल। अगर आप लोगों के पास एलोवेरा पेड़ है तो आई मीन इस टाइप का एलोवेरा का जो पौधा है उसको काट करके भी आप लोग आँखों के नीचे लगा सकते हो। सो गाइस आपको करना ये है कि एलोवेरा जेल को वो पौधे की हो या फिर मार्केट बॉट एलोवेरा की हो इसको आप लोग ऐसे हाथों में लीजिए एंड आँखों के नीचे ऐसे डैब डैब करके लगा के मसाज दीजिए ऐसे।
ऐसे लगा के एक अच्छे से मसाज दीजिए एंड इसको आप लोग ओवरनाइट रख दो। सो गाइस, एलोवेरा जेल में होते हैं एक बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग प्रॉपर्टीज़, जो आपका आँखों की जो नीचे का पिगमेंटेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा हटा देगा एंड आँखों के नीचे का जो ड्राई एरिया है उसे सॉफ्ट एंड एकदम सपल बनाएगा। तो गाइस, मेरे थर्ड होम रेमेडीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है एक नींबू की। नींबू में गाइस बहुत ही ज़्यादा होता है विटामिन सी, जो आँखों के नीचे जो एरिया है उसे ब्राइटन अप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एंड आँखों के नीचे पिगमेंटेशन को बहुत ही हद तक रिड्यूस करता है। सो गाइस, मैं पहले से नींबू का रस इस कटोरी में निचोड़ लिया था, अब इसमें मैं 2 कॉटन पैड डिप कर लूँगी। ऐसे 2 कॉटन पैड में डीप कर लिया। फिर मैं रात में सोने से पहले इसे आँखों में इस तरह से रख के सो जाऊंगी। सो गाइस, इसके बाद आप लोग 10 मिनट इसे ऐसे रख दो। फिर 10 मिनट के बाद आप लोग ऐसे अच्छे से ठंडा पानी में इसे वॉश कर लो, ठीक है? तो फिर ठंडे पानी में आप इसे वॉश करने के बाद, आप लोगों को पता ही है कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, तो इसके बाद वॉश कर लेने के बाद आप लोग ज़रूर कोई भी, अगर आप लोगों के पास अंडर आई क्रीम है तो आप यूज़ कीजिए, या फिर मैं पसंद करती हूँ एलोवेरा जेल लगाना। तो मैं इसके 10 मिनट इसे रखने के बाद एलोवेरा जेल ऐसे ऐसे लगा लूँगी। सो गाइस, आप लोगों को पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी होम रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हो 15 डेज तक एंड मेरे साथ प्लीज़ अपने वैल्यूएबल रिजल्ट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लिए एक लाइक कर लेना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लेना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड आप वो वीडियो पहले देख पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।